हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पोर्ट्स अपडेट्स विद अनु। तो दोस्तों, पंजाब किंग्स 11 और गुजरात टाइटंस के बीच जो मैच था, आपको बता दें कि लास्ट ओवर तक थ्रिलर बना रहा। जी हाँ, आखिरी मैच तक दोस्तों काफ़ी हद तक यही लग रहा था कि शायद पंजाब किंग्स 11 इस मैच को जीत जाएगा, क्योंकि बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। सैम करन आखिरी ओवर करवा रहे थे और शुभमन गिल जो थे वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन शुभमन गिल की विकेट लेने के बाद ऐसा लगा कि शायद गुजरात टाइटन्स के हाथ से अब ये गेम चला जाएगा। लेकिन भाई, कमाल की बल्लेबाजी की है, आखिरी ओवर तक इंटरेस्ट बना रहा कि फाइनली मैच किसके खाते में जाने वाला है। और वैसे भी आजकल आईपीएल के जो भी मैचेस बैक टू बैक हो रहे हैं, लास्ट ओवर तक थ्रिलर बना ही रहता है कि भाई मैच फाइनली लेकर कौन जाने वाला है। वन साइडेड मैचेस तो होने बंद ही हो चुके हैं आईपीएल में। आज का मैच भी कुछ ऐसा ही रहा, पंजाब किंग्स 11 और गुजरात टाइटंस के बीच। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस आज के मैच को जीत चुका है। तिवित्या ने एंड में जो चौका मारा और चौका मार के उस मैच को फाइनली ख़त्म कर दिया।